हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार रोजगार विज्ञान प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जिसलिए आप चिंतित हैं कई दिनों से पिछले, और हमारे चैनल रोजगार विज्ञान पे हमारे सर मुनिंद्र सर ने आपको बताया भी होगा आज के लिए कि संभावित आज आंसर की आने वाली थी, और जो आंसर की आने वाली थी वो तो नहीं आया, जो हमने सोचा नहीं वो मिल गया हमें, क्योंकि जिस वजह से ड्यू हो रही थी हमारी आंसर की वो आपके पास सामने रीजन आ चुका है। लेकिन इस रीजन को देख करके चिंतित नहीं हो, क्योंकि इस रीजन को देखने के लिए आपको थोड़ा पेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो नोटिस लिखा है वो नोटिस मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं। लेकिन इस इतने बड़े नोटिस का कोई इसमें मीन्स नहीं है, मैं 3 पॉइंट आपको इसमें कंडक्ट कराऊंगा जिसमें आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, बाकी आप देख सकते हो। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कॉन्स्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स CAPFS SSF एंड राइफल मैन GD इन आसम राइफल एग्जामिनेशन 2024 वाज कंडक्टेड बाई द कमीशन फ्रॉम 22 एंड 2024 7/3/2024। हाउ एवर ड्यू टू द वेन्यू, ये चीज देखनी है आपको, वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन, जो कुछ वेन्यू है उनमें स्पेसिफिक क्या दिया है इन्होंने, टेक्निकल रीजन दे दिया है। जिस टेक्निकल रीजन का नोटिस इन द रिव्यू ऑफ अप्रोच एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया है कि क्या हुआ, अ नीड हैज बीन फेल्ड ऑन होल्ड री एग्जामिनेशन, सीधा कह दिया टेक्निकल इशू की वजह से फेल्ड हो गया, और इसके लिए क्या नतीजा मिलेगा आपको री एग्जामिनेशन का। री एग्जामिनेशन क्या है, ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द सर्टेन वेन्यूज, इसे आप ध्यान से देखते चले, जो ये पॉइंट है वेन्यूज डेट्स और शिफ्ट, सभी बच्चों को बड़े पेशेंस के साथ अपना एडमिट कार्ड उठाना है, और एडमिट कार्ड उठाने पर आपको तीन ही चीज देखनी है, वेन्यूज डेट्स और शिफ्ट्स। वेन्यूज डेट शिफ्ट बिना देखे ये नहीं हो कि हमें हमारा भी एग्जाम री एग्जाम होगा। मात्र मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि मात्र 16,185 बच्चों का री एग्जाम होना है, और समथिंग सर 81 सेंटर्स का जो है वो री एग्जाम होगा, और वो भी होगा NR वालों का, नॉर्दर्न रीजन वालों का, और CR सेंट्रल रीजन वालों का। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, अपना एडमिट कार्ड उठाना है और ध्यान पूर्वक देखना है कि क्या है हमारा वेन्यूज, क्या हमारी डेट्स है और क्या शिफ्ट है। इसमें सीधा बता दिया है कौन सा है, 20/2/2024 और 7/3/2024, इनके मध्य जो एग्जाम हुए हैं और जो हमें सेंटर्स मिले हैं, जो हमें डेट्स मिली हैं, जो शिफ्ट मिले हैं, हमारा भी इसके अंतर्गत आ रहा है, तब हमारा री एग्जाम होगा। इन व्यू ऑफ द अबव द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन, कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि इसका री एग्जाम होगा, और री एग्जाम कब होगा, री एग्जाम कब होगा, 13 मार्च को फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑन द डेट्स वेन्यू शिफ्ट मेंशन्ड इन द एनेक्सर। देखो एक चीज और है इसमें, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं 20/2/2024 7/3/2024 के मध्य मेरा एग्जाम था और मैं एग्जाम नहीं दे पाया, तो शायद मुझे मौका दोबारा मिल जाएगा। नहीं, जो बच्चे अपियर्ड थे सिर्फ उन्हीं बच्चों का री एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है, जिसने एग्जाम नहीं दिया है वो भी अब दोबारा री एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट फॉर कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। एक चीज और कह दी है, शायद इन्हें अभी भी कोई अपने नोटिस में प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि विजिट करते रहें इनकी वेबसाइट और अपडेट्स देखते रहें, जिसमें नोट कर दिया ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड अर्लियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सिर्फ वही बच्चे री एग्जाम देंगे जो अपीयर्ड हुए हैं, जो अपीयर्ड नहीं हुए हैं चाहे उनका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, लेकिन जिसने एग्जाम दिया है सिर्फ उसी का री एग्जाम होगा। कॉन्स्टेबल GD सेंट्रल आर्म फोर्स CAPFS SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल्स 2024 कंडक्ट बाई द कमीशन फ्रॉम 20, और ये आपको ऊपर भी मेंशन कर दिया है, इन्हीं बच्चों का ये एग्जाम होना है। ठीक है, अब ये तो आप समझ चुके हैं कि शायद मूवी गलत आई थी, उसमें एक चीज दे दिया है रिस्टार्ट, तो शायद आपको अब फिर से रिस्टार्ट करना है, आज से फिर 7 से 8 दिन नवे दिन आपको निकलना होगा अपने सेंटर के लिए, तो फिर से रीस्टार्ट करना है अपनी स्टडी के लिए, और अपनी स्टडी के लिए बेहतर बनाने के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म जो रोजगार विज्ञान है, यहाँ कंटिन्यू और टाइम टू टाइम आपको क्लासें मिलती रहेंगी, उसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो आप देख लीजिए, जिसमें आपको ध्यान पूर्वक जो पीछे नोटिस था उसमें पॉइंट कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक पॉइंट है इसमें, पेपर क्यों
क्योंकि हमने इंतजार किया था किसका, आंसर की का, किसका किया था, आंसर की का, और मिला क्या हमें, री एग्जाम, क्या मिला, री एग्जाम। नंबर एक रीजन आपको सामने दिख गया है। दूसरा एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो दूसरा पॉइंट आपको एग्जाम दिख गया है 30 मार्च 2024। तीसरा एक पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको इतना बड़ा रीजन लगेगा कि क्या दे दिया इन्होंने, सिर्फ टेक्निकल इशू। तो ये टेक्निकल इशू जो है ये बता दिया है इन्होंने कि हमारा जो है टेक्निकल इशू हमारा रीजन है, इसकी वजह से हमारा दोबारा से एग्जाम होगा। तो ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा क्योंकि टेक्निकल इशू तो इनके चुनाव में भी आते हैं लेकिन कभी री चुनाव नहीं कराते टेक्निकल इशू के वजह से। तो ये हमारा आपने देखा होगा कि हमारे अभी यूपी पुलिस का री एग्जाम, अब फिर से एसएससी जीडी का री एग्जाम। तो अब आगे चौथा पॉइंट आपको क्या है, चौथा पॉइंट आपको बता दिया कि सिर्फ उन्हीं बच्चों का री एग्जाम होगा जो पहले से अपियर्ड हुए हैं। लेकिन पांचवा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि अपना एडमिट कार्ड उठाना है, पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के साथ आपको क्या देखना है, वेन्यू नेम, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर है वो देखना है, रीजन आपको देखा होगा सीआर या एनआर, और फिर सिटी और डेट शिफ्ट, ये चीज देखनी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 16,185 बच्चों का री एग्जाम होना है, उसमें से शायद आप भी हो सकते हैं, लेकिन पता कब चलेगा, जब आप अपना एडमिट कार्ड उठाएंगे उसमें आप अपना वेन्यू नेम देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है एलन हाउस इंफॉर्मेटिक सेंटर सीआर का, ये कानपुर सिटी का था, जिन बच्चों का 5/3/2024 को शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था और वो कैंडिडेट कितने थे, 126 थे, इन बच्चों का री एग्जाम होना है। आगे फिर से ये एलन हाउस है, इसके भी 7/3/34 में जिसका हुआ 132 बच्चे हैं, इनका भी दोबारा से री एग्जाम होना है। ऐसे इसका तीसरा है कानपुर में, ये भी 6/3/2 बच्चों का री एग्जाम होना है। आगे है आर्या महिला पीजी कॉलेज जो वाराणसी का है। अब आर्या महिला पीजी कॉलेज जो है जिसका 24, 20, 6 और 20, इसमें पहली शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, इनमें जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जितने का भी यहाँ सेंटर था, इस वेन्यू पर जिसका भी सेंटर था, उसका री एग्जाम होना है। तो मैं सर से गुजारिश करूंगा कि इस पीडीएफ को हमारी डिस्क्रिप्शन में दे दें, जिससे कि बच्चा अपना देख ले सेंटर, बहुत पेशेंस के साथ अपना एडमिट कार्ड उठाना है और उसमें अपने वेन्यू चेक करने हैं, अपना एग्जाम डेट चेक करना है और अपनी शिफ्ट और देखनी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के एग्जाम सेंटर तो मिल जाएंगे लेकिन कोई ध्यान इस पे नहीं देगा। तो चिंतित जब होना, जब अपनी शिफ्ट देख लेनी है, तब आपको री एग्जाम के लिए रीस्टार्ट होना है। और इसी के साथ आप समझ सकते हैं, बाकी तो सारे ये आपको सब सेंटर्स दे रखे हैं, सब वेन्यू जो भी है, टाइम डेट सब कुछ दे रखा है आपको, आप अच्छे से देख लेना और अपना जो है दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाला त्योहार भी है, उसके बाद आपको अपना एग्जाम देना है। तो यहीं पर ये नोटिस आप समझ गए होंगे। और आपको बाद में मैं एक बात बता देना चाहता हूं सर, कोई अपने उसकी थंबनेल है, एक बार देख लो सर, देखो सर। तो और आगे मैं ये कहूंगा बच्चों आपसे, हमारा एक प्लेटफॉर्म है रोजगार विद ज्ञान, नहीं चलेगा कोई नहीं, रोजगार विद ज्ञान हमारा एक चैनल है जिसपे आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की आपको स्टडी मिलेगी, प्रॉपरली क्लासेस मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट वगैरह सभी अवेलेबल होंगे। तो आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल रोजगार विद ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर शेयर करें, और बाद में यही कहूंगा कि 30 तारीख पर अपना फोकस करें और अपनी एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।